आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, ये क्वेश्चन जो है एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन, और क्वेश्चन में बोला हमसे गया है कि आपको जो फाइंड करना है, मतलब आपको जो आंसर बताना है वो किसका बताना है, जी एस एन ए ई, इसका मुझे आंसर बताना है। ठीक है, किसका बताना है, जी एस एन ए ई, इसका मुझे आंसर बता के चलना है। अब देखिए, पहले ऑप्शन में देखा जी, मतलब एक के सामने एक के नीचे, क्या एक के सामने एक के नीचे जी आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन देखते ही गलत हो चुका है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या देखना है हमें, 40, मतलब चार के सामने जीरो के नीचे, चार के सामने जीरो के नीचे जी आ रहा है कि बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब अगर मैं बात करूं मुझे चाहिए जी एस एन ए ई, क्या इसका मुझे आंसर ये मिल रहा है। तो मैंने देखा जी के लिए 40 आ रहा है, क्या बिल्कुल 40 आ रहा है, एस के लिए 77, सात के सामने सात के नीचे एस आ रहा है, क्या बिल्कुल 77 आ रहा है। ठीक है, एन एन के लिए मैंने देखा क्या 24 आ रहा है, दो के सामने चार के नीचे, दो के सामने चार के नीचे एन आ रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ए ए के लिए क्या आ रहा है, ए के लिए देखा 76, सात के सामने और छः के नीचे ए आ रहा है बिल्कुल, 76 यहाँ पे आ जाएगा। ई ई के लिए क्या है, 32, तीन के सामने दो के नीचे, तीन के सामने दो के नीचे ई आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, तो अपना जो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सही जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, अपना आंसर बी सही हो जाएगा। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।